हेलो गाइस, मैं हूँ सुमन। आप देख रहे हैं सुमन टेक्नो। दोस्तों, आज हमारे पास है रियलमी C2 और मैं इसको लगभग 45 डेज तक यूज कर रहा हूँ। अब टाइम हो गया है रियलमी C2 का फुल रिव्यू देने का। 45 डेज में मुझे जो जो प्रॉब्लम फेस करने को मिला और जो जो अच्छा ही लगा इस फोन में, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और ये भी बताऊंगा कि अभी के लिए 6000 रुपीज में रियलमी C2 बाई करना चाहिए या नहीं। तो सब कुछ जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी बजा देना। और इस वीडियो की लाइक टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स का, उम्मीद है आप लोग पूरे कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं पहले डिजाइन के बारे में। यहाँ पे बैक साइड की तरफ आपको डायमंड काट दिया है जो कि एक अच्छा लुक देता है। मैं यहाँ पे एक बात सजेस्ट करूंगा, अगर आप ए फोन बाय करने के लिए जा रहे हो तो आप ब्लू कलर देखना जरूर, क्योंकि जो अच्छा लुक देता है वो ब्लू कलर में देता है। हाँ, ब्लैक कलर में भी देता है, लेकिन गाइस यहाँ पे अच्छा खासा लुक नहीं देता है। तो मैं तो पसंद करता हूँ ब्लू कलर। आप कौन सा कलर पसंद करते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फ्रंट साइड की तरफ वाटर ड्रॉप नॉच के साथ HD+ दिया है, काफी अच्छा डिस्प्ले एक्सपीरियंस भी देता है। कैमरा के बारे में बात कर जाए दोस्तों, इसका कैमरा क्वालिटी काफी अच्छा है। मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, 6000 रुपीज में वन ऑफ द बेस्ट कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन है रियलमी C2। मैं इसका कुछ कैमरा सैंपल आपको दिखा रहा हूँ जो कि मैंने खींचा हूँ सेल्फी कैमरा और रियर कैमरा से। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इसका कैमरा सैंपल आपको कैसा लगा। ऐसे भी मुझे बहुत अच्छा लगा, जो कि कंपेयर कर सकता है इन्फिनिक्स स्मार्ट 3+ के साथ। ऐसे भी दोनों फोन का कंपेरिजन मैंने किया था, कार्ड में शायद लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके जरूर चेक करना। रियलमी C2 का कैमरा काफी अच्छा है, आप ये भी देख सकते हो। इसका जो डिटेलिंग है वो काफी बेटर है, मैं आपको दिखा दिया हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद बात करता हूँ इसका गेमिंग परफॉर्मेंस। दोस्तों, इसका गेमिंग परफॉर्मेंस बेटर है 6000 रुपीज में, वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग वाला स्मार्टफोन जो मैं कहना चाहूंगा रियलमी C2। मैं यहाँ पे PUBG भी खेला हूँ, आप ये देख सकते हो। हाँ, थोड़ा बहुत लैग देखने को मिलता है जब आप मीडियम में खेलोगे, हाई में आप नहीं खेल पाओगे। मैं यहाँ पे लो में खेलकर मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे 20 मिनट तक एक गेम खेल रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसका जो टेम्परेचर मेजरमेंट है वो भी मैंने लिया हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो टेम्परेचर ठीक ठाक है, उतना हाई भी नहीं है, लेकिन गाइस इसका गेमिंग परफॉर्मेंस भी बेटर है। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत लैग देखने को मिलता है, लेकिन आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। अभी 6000 रुपीज में इससे बेटर PUBG एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा। इसका और एक बात मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पे गेम बूस्ट टेक्नोलॉजी दिया है। जब आप किसी भी गेम ओपन करोगे तो पहले गेम बूस्ट ओपन होगा, उसके बाद गेम ओपन होगा। जब आप गेम खेलोगे तो ये टेक्नोलॉजी थोड़ा बूस्ट करेगा गेमिंग परफॉर्मेंस को, तो काफी अच्छी बात लगा है मुझे। और इसका बुरा बात यह है कि यहाँ पे LED नोटिफिकेशन लाइट नहीं मिलता है, जो कि अभी सभी लोगों को चाहिए। रियलमी को मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, अभी जो सारे आप स्मार्टफोन लेकर आओगे इंडिया में, सारे के सारे स्मार्टफोन में आप LED नोटिफिकेशन लाइट जरूर देना, क्योंकि इंडियन लोगों को LED नोटिफिकेशन लाइट बहुत मायने रखता है। और दूसरा जो कमियां लगा है वह गाइस दोस्तों, यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है। हाँ, 6000 रुपीज में बहुत सारे स्मार्टफोन है जो कि फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आ रहा है, और मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि इतना कम प्राइस में इतना सारा स्पेसिफिकेशन देना पॉसिबल नहीं, फिर भी देता तो काफी अच्छी बात रहता। और दोस्तों, इसका जो बैटरी है वो काफी पावरफुल है, मैं लगभग कंटिन्यू यूज कर रहा हूँ इस फोन को, और मुझे 2.5 दिन तक लगा इसका जो बैटरी कैपेसिटी 2.5 दिन तक चला है, जो कि मुझे अच्छा लगा। हाँ, मैं नॉर्मल यूज करता हूँ, यहाँ पे ज्यादा PUBG वगैरह नहीं खेलता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ आप लोगों के लिए है। मैंने जैसे कि बोला, इसका गिवअवे चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में या कार्ड में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके जरूर पार्टिसिपेट करना। 15 जून को इसका जो गिवअवे है उसका विनर अनाउंस होगा, तो जाओ जल्दी पार्टिसिपेट करो अगर आप लोग अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किए तो। ऐसे भी मैं जो बोल रहा था, इसका जो बैटरी कैपेसिटी है वो बहुत अच्छा है। और गाइस, ये था रियलमी C2 का फुल रिव्यू। ऐसे भी अगर मैं किसी भी ऑप्शन को, किसी भी पॉइंट को कवर नहीं किया हूँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। और इंस्टाग्राम में भी जाके मुझे पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं ज़्यादातर ऑनलाइन रहता हूँ, तो वहाँ पे जाके जरूर पूछना, साथ ही साथ मैं आपको तुरंत रिप्लाई दे दूंगा। तो गाइस, ये था रियलमी C2 का फुल रिव्यू। आपको कैसा लगा ये रिव्यू कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट के लिए मैं जरूर इंतजार करके रहूंगा।
और चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी बजा देना, और लाइक तो बनता है, शेयरिंग आपके हाथ में। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक हमारे साथ बोलते रहिए भारत माता की जय।